हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चोले की जो फली होती है उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर चोले की फली और दो प्याज, दो टमाटर और दो हरी मिर्ची जिनको मैंने कट कर लिया है। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। सरसों के ऑयल को, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद में मैं इसके अंदर आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा डाल दूँगी और जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं, इसका कलर चेंज होने देते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना है, लेकिन साथ में हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं ताकि हरी मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर ये चोले की फली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये सीज़न में ही आती है। अभी इसका सीज़न है तो ये बाज़ार में, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप इसको बना सकते हो। और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे पहले इसीलिए डाले हैं कि वो अच्छे से गल जाए। अब हम इन चीज़ों को दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को, ताकि टमाटर और प्याज हैं वो थोड़े गल जाएँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट एक छोटी चम्मच और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको भी। लहसुन के पेस्ट से कोई भी सब्ज़ी हो उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन के पेस्ट के अंदर। तो ये देखिए, हमारी सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सभी स्पाइसेस। तो मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डालूँगी हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो वैसे नमक तो। और इसी के साथ एक छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और हमें इन मसालों को अच्छे से पकाना है। अभी आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं डाली है और अभी हमें डालनी भी नहीं है। अभी हमें मसालों को अच्छे से पकने देना है और गैस का फ्लेम यहाँ पे कम ही रखना है। कम फ्लेम पर हमें मसालों को पकाना है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चोले की फली, बीन्स डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये कच्ची फली थी इसलिए मैंने इनको कट कर लिया। अगर आपके पास पकी हुई है तो आप इनके बीज निकाल लीजिए, बहुत टेस्टी बनती है बीज से भी इनकी सब्ज़ी। तो ये देखिए, हमारी जो चोले की फली है उनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो सभी मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अभी मैंने यहाँ पे इसको कम फ्लेम पर ही पकाना है हमें इसको। बाद में हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर हमें सूखी सब्ज़ी चाहिए तो इसके अंदर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो फली होती है थोड़ी सी हार्ड होती है तो इनको सॉफ्ट करने के लिए हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन छोटी चम्मच के करीब इसके अंदर पानी डाल दी है, जो अपनी टेबल स्पून आती है वो तीन डाली है। और इसको पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो फली है वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको तीन से चार मिनट तक गैस का फ्लेम कम करके ही पकने देते हैं। तो ये देखिए, तीन से चार मिनट होने के बाद में हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है। यकीन मानिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाकर खाना, बहुत अच्छी बनती है। और मार्केट में ये फली आसानी से मिल भी जाती है, अभी इनका सीज़न है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है हमारी। इसके कलर से ही पता चल रहा है कि हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है ये और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो ओके फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।